क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एसएल अरोड़ा क्लास 11th, चैप्टर नेम इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। अ सिलेंड्रिकल जार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फिल्ड विद वाटर टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। इट कैरीज अ टाइट फिटिंग पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास। कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द जार व्हेन अ मास ऑफ 1 kg इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन। और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करना, जी की वैल्यू 9.8 कंसिडर करनी है। तो मान लेते हैं कि इस तरह का कोई सिलेंडर है हमारे पास, इस पर ऊपर जो पिस्टन है उस पर मास रखा है 1 kg और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब ये जो बॉटम है, इस बॉटम पर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा लिक्विड की वजह से, और जो 1 kg का मास रखा हुआ है उसके वेट की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर और फोर्स में रिलेशन होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। और मान लो किसी एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो होता है एच रो जी। और एक और चीज, वेट एक तरह का फोर्स होता है जो कि एम जी के इक्वल होता है। इन फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा अभी। तो जो बॉटम पर प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू मास। अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। और अगर हाइट की वजह से या डेप्थ की वजह से हम लिक्विड की लिक्विड कॉलम कह सकते हैं, लिक्विड कॉलम की वजह से अगर आप प्रेशर अप्लाई जो हो रहा है वो निकालोगे तो वो होता है एच रो जी। तो लिक्विड की वजह से तो हो जाएगा एच रो जी प्लस जो मास है 1 kg का मास है उसकी वजह से प्रेशर कितना आएगा। देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स एम जी के इक्वल हो जाएगा अपॉन में एरिया, हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेंगे यहाँ पर। तो प्रेशर ड्यू टू मास आएगा एम जी जो कि वेट हो गया, एक तरह का फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन में एरिया यहाँ पर हम ले लेंगे बॉटम का, एरिया ऑफ बॉटम। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट विल बी द टोटल प्रेशर एट द बॉटम। तो हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसको ऐसा ही उनमें सबको चेंज कर लेते हैं, 10^-2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। डेंसिटी पानी की होती है 1000 kg और जी की वैल्यू हम ले रहे हैं 9.8 प्लस एम जी, एम कितना है 1 है, जी की वैल्यू 9.8 अपॉन में एरिया ऑफ बॉटम। तो देखो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, इसको ऐसा ही यूनिट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी 10^-4 की, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि 1 cm को अगर आप कन्वर्ट करो 10^-2 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और क्योंकि वो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10^-2 का स्क्वायर हो जाएगा 10^-4। ओके, तो एरिया हम ले लेंगे यहाँ पर 50 × 10^-4। तो इस पूरे को जो सोल्व करके हमें मिलेगा, मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, इट विल बी इक्वल टू 3920 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।